हमसे। शुरू करना यस यस। है जी। सभी को नमस्ते, आदर प्रणाम। आइए हम सुखासन में से पालथी मार के बैठते हैं, कमर सीधी रखें और कोई सिद्धासन में बैठता है कि अपने एक पैर की एड़ी को मुंह से लगा के, फिर टखने के ऊपर टखना, एंकल के ऊपर एंकल्स रखते हैं और अपना पैर काफ और थाई के बीच में, नीचे वाला भी काफ और थाई के बीच में। इसमें अभ्यास चाहिए, सिद्धासन में बैठने का अभ्यास हो जाता है तो बहुत सुखदायी ध्यानात्मक आसन होता है। ऐसे पालथी मार के तो बैठते ही सदैव, और हम पद्मासन में भी बैठ सकते हैं जिनका अभ्यास होता है। इसका भी अभ्यास करना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो नहीं होती। ये पद्मासन, राइट पैर को लेफ्ट थाई पे रखा, लेफ्ट पैर को राइट थाई पे रखा, पद्मासन, लोटस पोस्चर। ऐसे ही जिस भी आसन का अभ्यास आपको है या कर रहे हैं तो उसमें हम सुख पूर्वक बैठते हैं। अगर उस आसन में हमको दर्द हो रहा है तो फिर हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। हाँ, उस आसन का अभ्यास तो करेंगे। अगर उस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो दर्द को सहते हुए भी कर सकते हैं 5-10 मिनट, अगर अर्थराइटिस नहीं है तो। अगर किसी को अर्थराइटिस है, घुटना मोड़ने में दर्द होता है, तो फिर घुटना नहीं मोड़ना चाहिए, फिर तो पैर सीधे खोल करके ऐसे दंडासन में बैठ के भी हम आसन, प्राणायाम, मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। या ऐसे बैठा भी नहीं जाता तो कुर्सी में बैठ करके हम आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद का अभ्यास कर सकते हैं। सीधे लेट भी करते हैं, हम सीधे लेट के भी आसन करते हैं, पेट के बल लेट करके आसन करते हैं। तो अपने अपने रोगानुसार आसन, खड़े होके भी होते हैं। तो इसे योग सबके लिए, ओमकार का उच्चारण करना पूर्व अभ्यास प्रारंभ करेंगे। लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद करके ओमकार की पूरी एकाग्रता से से सत की ओर जाने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर, दिव्यता की ओर, आनंद की ओर जाने के लिए हम योग अभ्यास प्रारंभ करें। तो हम सर्वप्रथम
हम करेंगे लंबी गहरी श्वास। सांसों से योग शुरू होता है, अपने सांसों पर नियंत्रण करना। नियंत्रण का अर्थात ध्यान देना। लंबी गहरी श्वास लेना और श्वास छोड़ना। सीधे बैठकर दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में शिथिल अपने घुटनों पर, पूरा शरीर शिथिल, कमर सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और लंबी गहरी श्वास। ऐसे सांस लेंगे फुल कैपेसिटी आपकी लंग्स यूटिलाइज, पूरी टोटल कैपेसिटी। जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है, कहता है लंबी गहरी श्वास लो, छाती फुलाकर पूरी श्वास छोड़। कल हमने इसे फास्ट किया था। जिसकी नाक ब्लॉक हो, जिसको कफ ज्यादा हो, नाक में ब्लॉकेज हो, तो वो तो फास्ट स्पीड से करेगा। और परंतु जिसको कमर में दर्द हो वो स्पीड में नहीं करेगा, जिसको हर्निया हो वो स्पीड में नहीं करेगा, जिसको हाई बीपी हो वो स्पीड में नहीं करेगा। आज हमारा जो पैकेज रहेगा वो रहेगा कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, वात रोगों के लिए, अर्थराइटिस के लिए, आदि आदि। तो आराम आराम से करना है उनको। इस प्रकार से 2 सेकंड में श्वास लिया, 2 सेकंड में छोड़ा। जब श्वास लेते हैं तो पूरा छाती बाहर कंधे ऊपर हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, करना नहीं। मैंने बताया था कि नाक ब्लॉक हो तो नाक में सरसों का तेल डाल लें 4-4 बूंद, या अणु तेल डाल लें 2-4 बूंद, तेज तेज सांस लें, कफ निकलेगा तो नाक में ब्लॉकेज नहीं रहेगा, पूरी एयर पास होगी। और फिर हम जो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं उसके बाद कपालभाति प्राणायाम, यानी धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़। कपाल भाति प्राणायाम धीरे धीरे। अर्थराइटिस आदि वात रोगों में कपाल भाति लाभकारी है, बहुत फायदेमंद, लेकिन तेज तेज कपाल भाति नुकसानदायक है, नहीं करना, स्लो करना। 1 सेकंड में या ज्यादा दर्द हो तो 2 सेकंड में एक स्ट्रोक लगा दो, और थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाना, ज्यादा फोर्स के साथ नहीं, यानी हम जो एक्सहेल करते हैं वो थोड़ी फोर्स के साथ, फोर्सफुली एक्सहेल, नॉर्मली इनहेल। कपालभाति आप जानते हैं बहुत फेमस प्राणायाम, शरीर की शुद्धि भी होती है, शुद्धि क्रिया में भी आता है कपालभाति। और पूरा ध्यान आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे, या मूलाधार चक्र पर, या मणिपुर चक्र पर। मणिपुर हमारा नाभि केंद्र है, नाभि के 4 अंगुल नीचे स्वाधिष्ठान, और मूलाधार हमारे रीढ़ के निचले भाग पर, प्रोसेक्स में, हमारा कमर सीधा रहे, पेट पर कोई दबाव ना, हाथ पैर पर कोई दबाव, चेहरे पर, माथे पर, आंखों पर,
गर्दन पर कोई दबाव तनाव ना हो, उंगलियों पर, कंधों पर कोई स्ट्रेस नहीं, पूरी शीतलता के साथ कपालभाति। कपालभाति हमारे नाभि के प्रदेश को, जितने भी अंग हमारे नाभि के आसपास है, बहुत ज्यादा अंग है, उन सारे अंगों को मजबूती प्रदान करता, उन सारे अंगों में क्रियाशीलता, ऊर्जा बढ़ जाती है, रक्त संचार बढ़ता है और वहां का वात दूर होता है, जो दूषित वात है, जो दूषित मल है, दूषित गैस है, उसका निष्कासन होता है कपालभाति करने धीरे धीरे। जो स्वस्थ है वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं, लेकिन हम अगर अस्वस्थ के लिए करा रहे हैं तो धीरे धीरे कराएंगे। कपालभाति से कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट की जो शरीर की गांठें हैं वो सब दूर हो जाती है, पथरी है, ट्यूमर है, सब दूर हो जाता है। फिर उसके लिए कपालभाति को 30 मिनट से 60 मिनट तक कराते हैं, ज्यादा भी कराते हैं, कम से कम 30 मिनट, आधे घंटे कराते हैं। जो सामान्य व्यक्ति है उतना रोग नहीं है, या रोग है भी तो उतना असाध्य रोग नहीं है, सामान्य रोग है, तो 15-20 मिनट कपालभाति, 15 मिनट कपालभाति भी करेगा तो उसको पूरा लाभ मिल जाएगा। ट्यूमर, कैंसर आदि रोगों में फिर 1 घंटे भी कराया जाता है, उससे ज्यादा 2 घंटे भी कराया जाता है, करता है व्यक्ति खुद करता है, क्योंकि उससे लाभ मिलता है, उसको सोचता है मुझे और जल्दी लाभ चाहिए तो ज्यादा प्राणायाम का तप करता है और उसे लाभ मिलता है, तुरंत मिलता है, तभी तो करेगा, बिना लाभ के हम क्यों करेंगे। और योग तो होता है एकाग्रता के साथ, ध्यान के साथ, जप के साथ, मन ही मन हर एक स्ट्रोक में ओम ओम ओंकार के जप के साथ प्राणायाम का तप, और एक सद्भावना, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं दिव्य हो रहा हूं, मैं ईश्वर की दिव्य संतान हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा, मैं निष्काम निस्वार्थ सात्विक आत्मा, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, मैं अजर अमर नित्य अविनाशी शुद्ध आत्मा, मेरे अंग स्वस्थ है, मजबूत है। मेरा मन मजबूत, आत्मा मजबूत, मैं बलवान, शक्तिमान, प्रज्ञावान, श्रद्धावान, मुझमें कोई आलस से प्रमाद, मैं भगवान से एक हूं, मैं भक्त। कपालभाति के साथ साथ ऐसा बोलना नहीं, ऐसा विचार कर अपने भीतर, किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, बस कपालभाति चलता रहे, हमारा ओमकार का जप चलता रहे, हमारा प्रार्थना, हमारा स्तुति, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग चलती रहे, अच्छा सोच के साथ, कंसंट्रेशन के साथ करना। ये नहीं कि हम कपालभाति कर रहे हैं और हम टीवी देख रहे हैं, हम मोबाइल चला रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं किसी के बारे में कि आज क्या करना है, मग्न होकर कपाल, चिंता के साथ नहीं, ईश्वर चिंतन के साथ। मैंने बोला जिनको आर्थराइटिस, कमर दर्द है, तो कुर्सी पे बैठ करके करें, वो लेट करके करें, कैसे पैर फैला करके करें, पीछे हाथ का सपोर्ट लेकर के करें, दीवार से सट करके करें, लेकिन करेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करने से नहीं होगा। कि हमको तो भाई पैर में दर्द है इसीलिए हम योग नहीं करेंगे, अब योग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे, पेन किलर खाएंगे, उससे तो कुछ समाधान होगा नहीं। तो योग में कोई ज्यादा नियम नहीं है कि ऐसे ही योग करना है, कैसे भी करना है, लेकिन योग करना है,
ज्यादा नियम में तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो रोगी के लिए नियम शिथिल कर दिया जाता है, करते रहे कपाल भाती, प्रति सेकंड एक स्ट्रोक। शुरुआत हम व्यायाम से भी कर सकते हैं, बाद में प्राणायाम करें। शुरुआत हम प्राणायाम से भी कर सकते हैं, बाद में व्यायाम करें। जैसी जिसकी भाव चेतना हो, जैसा जिसका मन करे, जिसने रुचि। आज हमने प्राणायाम से शुरू किया, प्रार्थना पूर्वक प्राणायाम, कपाल भाति। कमर झुक जाए फिर से सीधी कर लेना, नहीं तो कमर में दर्द हो जाएगा। कमर झुक जाएगी तो नींद आने लगेगी, नींद आए तो थोड़ा तेज से आंख खोल करके कर लेना, नींद आए तो मुंह धो करके, आंख धो करके या आंख खोल करके कर लेना। हर एक स्ट्रोक में जो आपका मंत्र है, नमः शिवाय या ओम ओ ओ मणि मंत्र, भगवान का ध्यान, जप, प्रार्थना। प्रार्थना भी बहुत काम करती है, उपासना उपवास बहुत काम करता है। मौन रहना सुबह सुबह, मौन रहने से शक्ति संचित होती है, सात्विक शक्ति संचित होती है। फिर हम उस शक्ति को चैनलाइज करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं योग के माध्यम। जो ज्यादा बोलते हैं उनकी ऊर्जा बोलने में चली जाती है, जो ज्यादा देखते हैं स्क्रीन उनकी ऊर्जा देखने में चली जाती है। ऊर्जा का संचय अपने भीतर हो, ऊर्जा जागृत हो, और उस ऊर्जा को जागृत करके संचित करके एक सही दिशा में लगाना, समाज सेवा में और लोक कल्याण में, ईश्वर भक्ति में, आत्म विकास आत्मानुसंधान में लगाना। कपाल भाति, हमको पता भी नहीं चलेगा कि 15 मिनट कब हो गए। हाँ, कोई नया नया करता है, कमर दर्द होती है तो ऐसे हाथ पीछे लगा के पैर खोल के भी कर सकते हैं थोड़ी देर। लेकिन चेहरा नहीं बिगाड़ना, चेहरा तो एकदम मासूम बच्चे की तरह होना चाहिए। धीरे धीरे नाक से सांस छोड़नी है, नाक से 1 सेकंड में एक बार झटके से श्वास छोड़ना है, धीरे धीरे, ज्यादा झटका नहीं लगा। जब हम सांस झटके से बाहर छोड़ते हैं तो पेट अपने आप अंदर जाता है, पेट को अंदर बाहर करना नहीं होता, क्योंकि गैस बाहर निकलती है तो पेट की भी गैस, फेफड़ों की भी गैस बाहर निकली, तो पेट का भी व्यायाम होगा, पेट के सारे अंगों का व्यायाम, सारे अंगों से गैस बाहर निकल गई, जो भी बैलून की तरह फूले होते हैं, फेफड़ों का भी व्यायाम, पूरे नसनाड़ियां का शुद्धिकरण होता है। जिनको हृदय में ब्लॉकेज है, बीपी है, उन्हें भी कपाल भाती धीरे धीरे करना चाहिए, धीरे धीरे। स्वस्थ व्यक्ति तो तेज कर सकता, जैसे परम पूज्य स्वामी जी तेज तेज प्राणायाम भी करते हैं, उनका देखा देखी कुछ लोग कर लेते हैं, और उनका जो जिनको हृदय रोग है उनका बीपी बढ़ जाता है। तो बताते भी है कि भाई धीरे धीरे करो, जिसको कमर दर्द, हृदय रोग, हर्निया आदि, योग शिक्षक से पूछ करके करो। थोड़ी देर पैर में दर्द होता है, थोड़ी देर पैर खोल करके कपाल भाती कर लेते हैं, पैर की झुनझुनी उंगलियां आना बंद हो जाता है, तो फिर से कपाल भाती ऐसे करते हैं। हम आसनों के साथ भी कपाल भाती करते हैं। जिनको पेट रोग ज्यादा है, डायबिटीज, लीवर, किडनी, आंतें खराब हो रही है, कब्ज गैस बनता है, तो वो आसनों के साथ कपाल भाती करते हैं। मंडूक आसन के साथ, पवन मुक्त आसन के साथ, वक्र आसन, गोमुख आसन आदि जो पेट के आसन है, उन आसनों के साथ कपाल भाती करें। हम कल करेंगे सब आसन, पेट के लिए जो डायबिटीज के लिए अच्छे हैं, उदर रोगी, इनफर्टिलिटी आदि के लिए जो आसन अच्छे हैं, वो हम कल करेंगे, कपाल भाती के साथ करेंगे। तो अब हम कपाल भाती को यहाँ पे विश्राम देते हैं।
और दोनों पैरों को सामने खोल लेते हैं ऐसे, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। कल हमने किया था सूक्ष्म व्यायाम, जिनको भी जोड़ों में दर्द रहता है उनको अधिक से अधिक सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। ज्यादा वॉकिंग करेंगे तो और घुटनों में कमर में दर्द बढ़ जाएगा, सीढ़ी चढ़ेंगे वॉकिंग करेंगे। हाँ, पीछे की तरफ वॉकिंग हमने बताया था बहुत फायदेमंद होता है, पीछे की तरफ वॉकिंग करना 10-15 मिनट, और खूब सूक्ष्म व्यायाम करना, ऐसे पैरों के पंजों को ऊपर नीचे, फिर पूरे पंजे को ऊपर नीचे, खूब आधे घंटे करना, सुबह भी शाम को भी, समय हो तो दोपहर में भी, खूब सूक्ष्म व्यायाम करना। और जो आसन आज बताए जाएंगे वो करना, और प्राणायाम करना, कपाल भाती, अनुलोम विलोम ज्यादा करना, अनुलोम विलोम ज्यादा फायदा करता है। जिनको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो मालिश उनके लिए अच्छी होती है, मसाज, तेल मालिश, पीड़ा तक तेल से मालिश कर लेना चाहिए, कहीं दर्द हो तो अपना पीड़ा नेल ऑइंटमेंट लगा लेना चाहिए, या अपने बहुत सारी वात बढ़ जाता है, वात रोग हो जाता है, यानी शरीर में वात वृद्धि हो जाती है, तो फिर वात के लिए बहुत सारी औषधियां हैं अपने, कौन कौन सी, ऑर्थोग्रिट है, पीड़ा नील गोल्ड है, में ये मुख्य है, और भी है, तो वो चिकित्सालय में चिकित्सक के से पूछ करके वो औषधि लेनी चाहिए, तो हम जल्दी अपने जोड़ों के दर्द से मुक्त हो जाएंगे, वात रोगों से दूर हो जाएंगे। अश्वशिला है, शिला जीत है, अच्छी शक्तिवर्धक है, तो चिकित्सक से पूछ के लेना चाहिए, उसको मुंह से भी लेते हैं और उससे अनीमा, उसी औषधि से भक्ति भी कराते हैं तो और ज्यादा लाभ होता है। योग ग्राम में पतंजलि वेलनेस में उसी औषधि की डोज को 10 गुना बढ़ा करके फिर उससे भक्ति भी दिया जाता है, मसाज जाता है, और फिर मसाज के बाद फिर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इससे लोगों में एक्यूप्रेशर से फायदा मिलता है, रक्त मोक्षण श्रृंगी आदि कराते हैं तो भी बहुत लोगों में फायदा हो। सूक्ष्म व्यायाम करना, अपने ज्वाइंट्स को धीरे धीरे ऐसे ऊपर नीचे, अपने घुटने को गोद में रख करके, अपने पैर को ऐसे, कल हमने किया था सब, छोटी छोटी क्रिया है। बहुत सारी योग क्लास निशुल्क पतंजलि के द्वारा हमारे जिले में चलती हैं, उन योग कक्षाओं का पता लगाना कि हमको एक वातावरण मिल जाए योग करने का, एक एनवायरनमेंट में हम योग करें, या हम ही दूसरों को कराएं, छोटे छोटे हर ज्वाइंट के मूवमेंट कराते हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम। केवल योग और केवल दवाई खाने से ही फायदा नहीं मिलेगा, ज्यादा फायदा तो मिलेगा परहेज करने से, कि हम गलत खाना ना खाएं, सही चीज करो या ना करो, गलत चीज नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि दवाई खाओ या ना खाओ, लेकिन गलत चीज मत खाओ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति परहेज नहीं कर रहा है तो दवाई खाने से कोई लाभ नहीं होगा, और अगर कोई व्यक्ति है तो दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। परहेज का बहुत महत्व है, परहेज यानी अपथ्य को नहीं खाना। अब किसी को वात रोग है और वो गोभी, बैंगन, आलू, चावल खूब खाता है, सूरन, बासी खाना, फास्ट फूड, मैदा तला भुना खूब खाता है, तो उसका वात, चाय बहुत पीता है, आलू खाता है, पकौड़े खाता है, तो उसके वात रोग बढ़ जाएगा, भयंकर बढ़ेगा, और रात में बैंगन आलू खाएगा तो उसको इतना दर्द हो जाएगा, इतना योग करेगा नहीं, परहेज करेगा नहीं,
और फिर वो आयुर्वेदिक औषधि लेगा और कहेगा देखो आयुर्वेदिक औषधि काम नहीं कर रही है। फिर पेन किलर खाएगा, पेन किलर खाएगा कहेगा हाँ पेन किलर बहुत फायदा कर रहा है। फायदा थोड़ी कर रहा है पेन किलर, वो तो ब्रेन के सिग्नल्स को बंद कर रहा है पेन के, लेकिन रोग तो वैसा ही बना हुआ है। पेन किलर खा खा के वो अपना लीवर किडनी और खराब कर लेगा, लीवर किडनी की भी दवाई खाएगा, वो अपना हार्ट और दिमाग और हड्डियों और कमजोर करा लेगा, फिर उसकी भी दवाई खाएगा, और फिर लास्ट में सर्जरी कराना लेगा तो घुटने बदलवा लो, एड़ी बदलवा लो, कूल्हे बदलवा लो, ये कटवा लो कटवा लो, फिर उसमें वो मर जाता है। तो सही क्या है? सही है परहेज। आपके पास एक पुस्तक होनी चाहिए, पतंजलि की एक पुस्तक आप ले लेना, जिसमें रोग अनुसार क्या आहार लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए ये सब लिखा है, और घरेलू चिकित्सा भी लिखी है। हमारे किचन में जो साग सब्जियां मसाले हैं उनसे हम कैसे अपना उपचार कर सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा, वो सारे नुस्खे भी उसमें लिखे हैं, गोल गोल घुमाए, और पंचकर्म षटकर्म और यज्ञ चिकित्सा सब कुछ, जो भी योग ग्राम में पतंजलि वेलनेस में रोग अनुसार दिया जाता है, काढ़े बना के दिए जाते हैं, लेप लपेट लेप लगाते हैं चेहरे पर बालों के स्वास्थ्य के लिए, तो जो है वो सारा पुस्तक में मिल जाए। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? मैं दिख रहा हूँ स्वामी जी, यस आवाज आ सर। रही है लेकिन वीडियो नहीं है ऑन, अभी जस्ट बंद हुआ। हाँ ये अपने आप बंद हो गया, मैं शुरू करता हूँ। अब दूसरे पैर से कर लेंगे। तो उस पुस्तक का नाम है पतंजलि वेलनेस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ये पुस्तक आपको मेगा स्टोर पतंजलि चिकित्सालय यानी पतंजलि के स्टोर से मिल जाएगी। इसको आप 100 रुपए की बहुत मामूली दाम है, और जो वेलनेस आता है उसे तो 25 रुपए में और फ्री भी दी जाती है, निःशुल्क दी जाती है। तो आप इस पुस्तक को खरीदे, अपने मित्रों को भी गिफ्ट करें, दान करें, उनको पुरस्कृत करें, और इसका रोज स्वाध्याय करें, एक एक पन्ना इसका रोज पढ़ें। ज्यादा मोटी नहीं, पतली सी है, कम से कम रोज अनुसार आप बहुत कुछ जान जाओगे। फिर आपको किसी भी दवाई की, अस्पताल की, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं अपने रोग, आहार, दिनचर्या, औषधि के बारे में जान जाओगे। तो आत्मनिर्भर बनना है अपने को। तो ये हमने पैरों के लिए किए, सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा सा पैर फैला करके हम कर सकें तो स्थिर होना। गर्म पानी अच्छा होता है, वात रोग में ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं और एसी में रहते हैं तो शरीर जकड़ जाता है और दर्द बढ़ जाता है। तो हम तो शरीर में गर्म है, अंदर से हॉट ब्लड है, तो गर्म पानी अच्छा होता है, वो शरीर को जल्दी डिटॉक्स करता है। गर्म पानी डिटॉक्स के लिए, और कोई ड्रिंक, बहुत सारी आयुर्वेद में ड्रिंक बताई गई है, गौमूत्र बहुत अच्छा है शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, वात रोगों के लिए गोखरू का पानी बहुत अच्छा है वात रोगों के लिए, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए लौकी का जूस, सब्जियों का जूस अच्छा होता है, और ये तो अच्छे होते ही है, लेकिन केवल गर्म पानी बहुत अच्छा होता है, उससे पेट भी अच्छे से साफ होगा और उससे हमारा सारा मल मूत्र, शरीर का कचरा, सब दवाइयों का साइड इफेक्ट सब दूर हो जाएगा। तो गर्म पानी पीते हैं, पूरा दिन पीते हैं, जिनको शरीर में दर्द है तो सबको, मैं भी पीता हूँ, कोई रोग नहीं है, फिर भी शरीर के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, मांसपेशियां इससे टाइट नहीं रहती हैं, पेन नहीं रहता है, तो कोमट पानी अच्छा होता है शरीर के लिए और पेट के लिए। लेकिन वो आदत पड़ जाती है ना, फ्रिज का पानी पीने का, चिल्ड पानी पीने का, कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो फिर
आदत को सुधारना ही तो हमारा कर्तव्य है, योग है, भजन है, अध्यात्म है। बुरी आदत को सुधारना ही हमारा धर्म है, वही हमारा अध्यात्म है। नहीं तो कोई अपने आप को आध्यात्मिक कहे, धार्मिक कहे, और उसकी पढ़ा लिखा कहे, विद्वान कहे, PhD कहे, और उसकी आदत ही खराब है बोलने की, खाने की, पीने की, सोने की, उठने की, बैठने की, सोचने की। तो काहे का पढ़ा लिखा, काहे की डिग्री, वो तो दरिद्र है, मूर्ख है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कोई डिग्री नहीं रखी थी, उन्हें पता था डिग्री से कोई पढ़ा लिखा नहीं बन जाएगा। उन्होंने आचरण पर फोकस किया, आचरण, वाणी, व्यवहार पर, कि जिसने ये ठीक कर लिया वो सबसे बड़ा पूजनीय है, विद्वान है, धर्मात्मा है, भगवान है, बाकी सब मूर्ख है, पढ़े लिखे मूर्ख है या अनपढ़ मूर्ख है। मूर्ख भी दो प्रकार के होते हैं, एक अनपढ़, एक पढ़े लिखे। पढ़े लिखे मूर्ख ज्यादा हानिकारक है, ज्यादा नरक झेलते हैं। तो ये तितली आसन बटरफ्लाई, ये मैं आसान आसान तलवी किए थे, तो ये जोड़ों के लिए अच्छे हैं, मालिश अच्छी है, तिल के तेल या सरसों की, अपना पीड़ांतक तेल आता है उससे मालिश मसाज करना चाहिए। और फिर हमारे सीधे बैठेंगे और हम करेंगे अब अनुलोम विलोम प्राणायाम। जानते हैं आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऐसे वायु मुद्रा राइट हैंड से अपने राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करके लेफ्ट से सांस लेना, धीरे धीरे लेना, और राइट से छोड़ना, फिर राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना। इसी को बार बार करना, ये एक राउंड है, इसी तरह के 50 राउंड लगाना। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, धीरे धीरे, पूरा ध्यान अपने सांसों पर, पूरा ध्यान। हाथ दर्द करे तो थोड़ा हाथ नीचे कर लेना या दूसरे हाथ का सपोर्ट ले लेना। और अगर योग में संगीत भी सुनना है तो फिर हमें शास्त्रीय संगीत सुनना चाहिए, वो भी हमको हील करता है, म्यूजिक। लेकिन फिल्मी गाने अपने को कोई हील नहीं करते हैं, वो अपने को लगता है कि मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, लेकिन उससे राजसिकता ही बढ़ेगी। अगर वो किसी फिल्म का हीरो हीरोइन के आता है तो फिल्मों में भी अच्छे भक्ति गीत होते हैं, शास्त्रीय गीत होते हैं, उसे सुन सकते हैं कि जो भगवान के बारे में पता है, या शास्त्रीय म्यूजिक हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, फ्लूट हो, वीणा हो, बांसुरी आदि, तबला आदि, भगवान के, ईश्वर भक्ति के भजन हो, देश भक्ति के भजन हो, गुरु के भजन हो, निराकार के भजन हो, तो वो भी अपने रोम विरोम। सबसे अच्छा त्रिदोष नाश, त्रिदोष को शमन करता है, सम करता है। धीरे धीरे सांस लें, 2.5-3 सेकंड में, 5 सेकंड में, और उतनी ही देर में श्वास छोड़ें। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं। ओम
ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक हैं। जितने विकारी पाश हैं भय मरण व्याधि त्रास हैं सब मानसिक उपहास हैं। हम सजग हैं बस सो चुके हैं ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक हैं। उस आत्म निर्मल गंग में निस्सीम प्रेम तरंग में उस अज अनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक हैं। व्याधियां तन की मिटी और प्राण सीमाएं कटी मन की निराशाएं हटी सन्मार्ग अपना जो चुके ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक हैं। योग पथ के पथिक अलोम विलोम विद ब्रीदिंग अवेयरनेस विद कंसेंट्रेशन पूरा ध्यान सांसों पर। सांसें ही जीवन है। पूरा ध्यान जीवन पर सांसों पर। इसको हम खड़े होकर बैठकर कुर्सी में सोफे में या सीधे लेटकर पैर फैला के कैसे भी करें स्वस्थ हैं तो एक आसन में करें पद्मासन में करें मेरी तरह जैसे आप कर रहे। रोगी है तो कैसे भी करें एक घंटे करें आधा घंटा करें 20-15 मिनट करें 15 मिनट करके 4 बार कर लें फिर 2 घंटे बाद फिर 2 घंटे बाद फिर 2-4 घंटे बाद ऐसे कर लें। समय है तो ऑफिस जाते हैं तो सुबह शाम कर लें। ऐसे नाड़ी शुद्धि हो रहा है हमारा 72,72,10,201 इतनी सूक्ष्म नस नाड़ियां हैं हमारे। सारे नस नाड़ियों का शोधन हम कभी नहीं करते। हम बाहर से तो नहा लेते हैं क्रीम लगा लेते हैं साबुन शैम्पू लगा लेते हैं ये अंदर नाड़ियों की सफाई हम कब करते हैं कभी नहीं। उनको कचरा जरूर भरते हैं वात कब से कम भर जाती है सट जाती है सांस नहीं ली जाती है दिल नहीं धड़क पाता है भोजन नहीं पच पाता है गांठे बनने लगती हैं। ये सब नाड़ी शुद्धि नहीं होती इसलिए तो नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम से होगी। जिसको ज्यादा नाड़ी शुद्धि करनी है वो फिर ज्यादा इसको करते हैं ज्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं बुरी आदतें छूट जाती हैं पाप की वृत्तियां संस्कार बुरे ठीक हो जाते हैं अच्छे संस्कार बन जाते हैं सारी बुराइयों का नाश होता है। नाड़ी शुद्धि जल नेति आदि षटकर्म से भी होता है अनुलोम विलोम से भी। तो जिनको भी ज्यादा दर्द है डॉक्टर से ज्यादा तो अपने अनुलोम विलोम पर विश्वास करना योग पर विश्वास करना ये औषधि है। और अगर यज्ञ पूर्वक करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। अपने घर में थोड़ा सा गाय के कंडे होते हैं उपले उसको जला दिया या आम की लकड़ी जला दी
कपूर से, और उसमें थोड़ा अपनी वातेष्टि हवन सामग्री, अपने पतंजलि में हवन सामग्री आती है, वात रोगों के लिए वातेष्टि, पित्त रोगों के लिए पित्तेष्टि, और कफ रोगों के लिए कफेष्टि, मधुमेह के लिए मध्वेष्टि, कैंसर के लिए कर्कटेष्टि, फेफड़ों के दमा अस्थमा के लिए प्राणेष्टि, चर्म रोगों के लिए चर्मेष्टि, दिमाग के लिए दिमाग को तेज करने के लिए मेधेष्टि, बीबी आदि के लिए बहुत सारी, संतान निसंतान है, बांझपन है तो संततेष्टि, इसी प्रकार रोगानुसार हवन सामग्री है। और फिर उस हवन सामग्री से और गाय के घी से आहुति देते हैं गुग्गुल मिला करके, और फिर उसका जो धूम्र होता है उसमें अनुलोम विलोम करते हैं, तो वही औषधि हवन सामग्री वाली गाय के घी गोगल वाली, उसके नैनो पार्टिकल्स हमारे सांस के माध्यम से पूरे रोम रोम में एक एक सेल में जाता है और वो औषधि का काम करता है। पचा पचाने की जरूरत नहीं, पचा पचाया धुआं हमारे शरीर में, उसे धूम्र चिकित्सा कहते हैं। जैसे सिगरेट पीते हैं तो कैंसर हो जाता, फेफड़े खराब हो जाते हैं, पेट्रोल का धुआं सूंघते हैं तो एकदम शरीर खराब हो जाता है, इसी प्रकार अच्छा धुआं औषधियों का धुआं सूंघने से हमारे रोग ठीक हो जाते हैं, हमारा नाड़ी शुद्धि होता है। तो यज्ञ एक बहुत बड़ी थेरेपी है, चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा उसे कह रहे हैं। तो अपने घर में हम कर सकते हैं, मंत्र नहीं भी आते तो ओम गायत्री मंत्र या ओम स्वाहा कर सकते हैं, तो 11 आहुति दे के एक दिव्य वातावरण, सुगंधित और पौष्टिक वातावरण बन जाता है, पूरा घर सैनिटाइज हो जाता है। फिर हम अनुलोम विलोम करें तो अनुलोम विलोम और 10 गुना ज्यादा लाभ बढ़ जाता है उसका। या इतना नहीं तो कम से कम एक गाय के घी का दीपक ही जला लें, उससे भी वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है हमारे घर में। नहीं तो घर में दूषित वायु, खिड़की दरवाजे बंद हैं, वही चिंता, वही तनाव, वही खांसी, वही जुकाम, एकदम वातावरण बहुत दूषित हो जाता है, वायरस बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तो मैंने बताया, अभी मैंने क्या बताया, ऋषियों ने बताया है, आयुर्वेद में है यज्ञ चिकित्सा, धूम्र चिकित्सा, पूरे घर को सैनिटाइज करने का यही उपाय। नहीं तो हम क्या लाते हैं, एक सेंट की बोतल लाते हैं, बड़ी सी रूम फ्रेशनर, ठुस ठुस ठुस, और पूरा केमिकल भर देते हैं पूरे घर, सूंघने में तो अच्छा लगता है, उससे कितने केमिकल्स हमारे शरीर में ब्लॉकेज पैदा कर रहे हैं उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो ये जितना हम ज्यादा मॉडर्न बनते जा रहे हैं ना, उतने हम मूर्ख और उतने रोगी भी बनते जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखना है, अपने संस्कृति, अपने संस्कार को अपने को नहीं छोड़ना। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने किया, एक प्राणायाम है अंतर कुंभक प्राणायाम, सांस को अंदर भर कर रोकना, वो भी वात रोगों के लिए, दर्द आदि के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। सांस को अंदर भरा और रोक के रखा, थोड़ा सा गर्दन को नीचे झुकाया, थोड़ी को छाती से लगाते हैं, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस नहीं है तो वैसे जाल अंदर बंद लगा के सांस को होल्ड करते हैं 1 मिनट, जब तक रोक सके सांस को रोक के रखना, तो कहते हैं अंदर पकड़ा। होल्ड किया, गर्दन को टाइट कर पाया, एक बार और ट्राई करें। 1 मिनट नहीं रोक पाते तो आधा मिनट 30 सेकंड तो रोक करके दिखाओ। हाँ, किसी को हृदय रोग है तो वो 10 सेकंड नहीं कर लेना। श्वास अंदर भर के होल्ड किया, पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर, गर्दन पर रखना, विराम देंगे। आइए करते हैं भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। ओंकार
ये वाइब्रेशंस होती है ऐसे जो भौरे की तरह हम कान बंद करके आजीवन चक्र पर ध्यान को एकाग्र करके करते हैं, उससे भी हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे लाभकारी गैस होती है हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए, नस नाड़ियों को ओपन करने के लिए, ब्लॉकेज को दूर करने के लिए। वैसे वाइब्रेशंस करनी चाहिए। हम वैसे तो यहाँ पे आधे घंटे भी कराते हैं और 51 बार 21 बार 11 बार 5 बार, तो जितना भी हम ओमकार का उच्चारण करें उतना ही अच्छा, कम से कम 3 से 5 बार तो, 5 बार तो रोज ही कर लेना चाहिए। कान बंद करके पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 आंखों पर, अंगूठे से कान भैया दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ओमकार का उच्चारण। भ्रामरी हमने किया, भ्रामरी के बाद अब उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत यानी ओमकार का गीत। कमर गर्दन से भी आंखें बंद, ओमकार का उच्चारण पूरी एकाग्रता से भक्ति भाव से कर। ध्यान करेंगे मौन होकर, बंद कमर से पूर्ण मौन शांत शिथिल। दिव्यता हमारे भीतर अनुभव करें, स्वयं के भीतर ओमकार की शक्ति, ओमकार का प्रकाश, ओमकार की दिव्यता रोम रोम में, अंग अंग में ऊर्जा, सात्विकता, आरोग्य, स्वास्थ्य अनुभव करें रोम रोम में, अंग अंग में, एड़ी से चोटी आरोग्य, आनंद, संपूर्ण दिव्यता मेरे भीतर है, संपूर्ण ज्ञान मेरे भीतर, संपूर्ण भक्ति मेरे भीतर, संपूर्ण शक्ति मेरे भीतर है, पुरुषार्थ भीतर,
संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे भीतर है, सारे देवता साक्षात ब्रह्म परमात्मा मेरे भीतर है, मुझे आशीर्वाद देता हुआ, सब कुछ देता हूँ, स्वयं को देता हूँ। नाथ नारायण, मैं आपकी शरण में, मैं तुम्हें भूलू नहीं एक शरण। सारी देवी देवताओं की शक्ति, साक्षात ब्रह्म शक्ति से मैं एक हूँ, सब मेरा, ईश्वर मेरा, सब ईश्वर का है और ईश्वर मेरा, मैं ईश्वर का हूँ, मैं आपकी शरण में। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे ऊपर और गरम गरम देवी आपने कमर के लिए कुछ आसनों के अभ्यास भी करेंगे और उसके लिए अपनी मैट पर लेट जाएं आप, पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे और हम कुछ आसनों के अभ्यास के लिए कमरे को सेट करते हैं। इसके लिए हम पेट के बल लेट जाएं, जोड़ों में दर्द दो कारण से होता है, या तो पित्त बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है तो सब्जियों का जूस लेते हैं, लौकी आदि, बीट रूट का और गाजर का आदि का जूस लेते हैं, कोपरू का पानी लेते हैं। हाँ, अगर पित्त बढ़ जाता है तो एलोवेरा, बीट ग्रास और लौकी, ये बेस्ट होता है, एलोवेरा, बीट ग्रास और लौकी का जूस लेते हैं सुबह शाम। हाँ, फिर चाय पीले, मिर्च मसाला, पकौड़े, फास्ट फूड, मैदा, करने के लिए औषधियां भी आती हैं, औषधियों के साथ योग अभ्यास और परहेज जरूरी है, और अगर ले सकें तो थेरेपीज भी पतंजलि वेलनेस आ करते हैं। ये है जिसे कहते हैं मकर आसन, एक एक पैर से, जिसको ज्यादा कमर दर्द है तो एक एक पैर से, अन्यथा हम दोनों पैरों से कर सकते हैं। ये बैक बेंडिंग के अभ्यास है जो कि अच्छे होते हैं कमर दर्द में, घुटने दर्द में भी, हम ज्यादा शरीर में कष्ट है तो एक एक पैर से आसान होगा। एक एक अभ्यास को हम 2 मिनट 5 मिनट तक दोहरा सकते हैं। मकर आसन, फिर एक भुजंगासन, दोनों हाथों को छाती के अगल बगल रखते हैं और कोई को पीठ से चिपका करके दोनों पैर एक साथ मिले हुए श्वास भर के थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, श्वास अंदर होल्ड करते हैं, पूरा ध्यान पीठ पर रख, कमर पर रखते पीछे, सांस को अंदर होल्ड करके रखते हैं तो ज्यादा फर्क पड़ता है, ज्यादा लाभ होता है। अगर नहीं होल्ड कर पाते तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सांस लेते और छोड़ते हुए भी कर सकते हैं, कोई हानि नहीं, लेकिन श्वास अंदर ही रखते हैं तो ज्यादा लाभ होगा, नस नाड़ियों के दर्द में ज्यादा जल्दी राहत होती है। श्वास भर के होल्ड किया, थोड़ा सा नाभि जमीन से टच रहेगी, ऊपर देखना है चेहरे पर प्रसन्नता, पूरी एकाग्रता कमर पर, बीस पच्चीस सेकंड तक या 30 सेकंड तक होल्ड किया, फिर नीचे थोड़ी देर रिलैक्स किया, एक बार और, इस बार पूरा उठना है, श्वास भर के ऊपर देखना, पूरा ध्यान कमर पर, जब श्वास मान उठी जाए तो नीचे,
फिर थोड़ा रिलैक्स किया, कमर को रिलैक्स किया और फिर से कमर के ऊपर रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने थोड़ी के नीचे रखेंगे, लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड, दोनों पैर मिलाएंगे। भुजंगासन का सेकंड पार्ट, दूसरा पोस्चर, पूरे शरीर को ऊपर उठाया, श्वास भर के दोनों हाथ हथेली एक दूसरे के ऊपर ऊपर बैठेंगे, पीछे की तरफ पूरा ध्यान कमर पर, श्वास भीतर, पूरा ध्यान कमर पर, कमर के निचले भाग। जब तक श्वास को रोक सके रोकेंगे, श्वास ना रोके तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे जाए। 20 सेकंड तक होल्ड किया जा सकता है आराम से, रिपीट कर, कोई 10 सेकंड भी करता है तो कोई बात नहीं, 10 से 5 सेकंड भी किया तो कोई बात, लेकिन जितना ज्यादा करेंगे उतना लाभ होगा। हाँ, रिपीट कर सकते 5 से 10 बार। एक बार और, जिसको कमर दर्द है उसके लिए ये अभ्यास बहुत फायदेमंद होते हैं, पीछे झुकने वाले, बैक पेन, रिलैक्स, मसाज, एक्यूप्रेशर थेरेपी भी फायदेमंद होते हैं। दोनों हाथ छाती के अगल बगल रखेंगे और दोनों पैरों में गैप रखेंगे 2 फीट का, दोनों पैरों के बीच में 2 फीट का गैप। और अब फिर से श्वास भर के ऊपर उठा और लेफ्ट साइड से मोड़ करके राइट एंकल को, राइट एडी को देखने का प्रयास किया, पीछे ट्विस्ट करेंगे बॉडी को लेफ्ट साइड, वापस इसी तरह दूसरी तरह से करेंगे। वापस एक बार और दोहराएंगे, वापस फिर से राइट साइड से, रिलैक्स, फिर से हेड डाउन करके विश्राम करते हैं। अब हम करेंगे दूसरा अभ्यास शलभासन। दोनों हाथ हमारे जंघाओं के नीचे, थाइस के नीचे दोनों हाथ रखें, शलभासन, अपने राइट पैर को ऊपर उठाएंगे सीधा, घुटना सीधा, पंजे सीधे, पूरा ध्यान कमर, थोड़ी जमीन से चिपकी हुई, इसे भी श्वास को होल्ड करके करना नीचे। अब लेफ्ट पैर को 20 सेकंड ऊपर और उधर के पूरा ध्यान करो, नीचे हम रिपीट भी कर सकते हैं, एक बार ही कर रहे हैं अभी। अब दोनों पैर से किया एक साथ, दोनों पैर ऊपर, हाथों से सपोर्ट मिलेगा जंघाओं को, रिलैक्स। अब दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट कलाई को पकड़ लिया और
दोनों तरफ से छाती को भी पैर को भी ऊपर रखना। अब धनुरासन, दोनों पैर के पंजे को पकड़ा और पूरा ऊपर आया। रिलैक्स, सीधे लेट जाएंगे। ये हमने बैक बेंडिंग के आसन किए और सीधे लेटकर ये शवासन की स्थिति में हम करेंगे अपर मुक्तासन। अपने राइट पैर को उठाया, फोल्ड किया, हाथों की उंगली को इंटरलॉक करके पैर पकड़ी, ऐसे छाती से लगाया, पेट से लगाया, श्वास को बाहर निकाला। अब इसी तरह लेफ्ट पैर से गर्दन नहीं उठाए क्योंकि हम बैक पेन के लिए कर रहे हैं, अगर तो एक एक पैर से ही करना है और गर्दन नहीं उठाना। अगर पेट के लिए करते हैं तो एक एक पैर से भी और दोनों पैरों से कर सकते हैं, लेकिन कमर दर्द में दोनों पैरों से नहीं करना, एक एक पैर से करना। और बिना गर्दन उठाए हम ऐसे लंबे समय तक भी, एक मिनट तक भी होल्ड कर सकते। एक मिनट नहीं हो पाता है तो 20 सेकंड करके 3 बार कर लिया। ये बहुत ही फायदेमंद आसन है मदद से आदि। इसे कहते हैं पवन आसन, एक पाद पवन एक पैर से। इसी प्रकार से अपने पैर के पंजे को पकड़ लेना, हाथों की उंगली पर लॉक किया और पैर के पंजे को पकड़ के ऊपर पेट की तरफ लाया, पेट की तरफ खींच करके है। अपने पैर को पूरा खींचना है पेट की तरफ, थोड़ा स्ट्रेचिंग होगी हमारे हिप जॉइंट्स के। दूसरा पैर सीधा रहेगा, दूसरे पैर को मोड़ना है, श्वास भर के होल्ड करना। इनहेल एंड होल्ड योर ब्रेथ फॉर 30 सेकंड्स। तो हानि हो जाएगी, अब लाभ नहीं होगा। लाभ होगा, बिल्कुल होगा। अब आदमी के पास जितना कैपेसिटी है उतना ही तो करेगा, इसलिए जितना कैपेसिटी है उतना रिपीट करेंगे, फिर रिपीट कर लेंगे, शाम को फिर कर लेंगे। अब लेफ्ट पैर से करना, हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करके पैर के पंजे को पकड़ के ऊपर खींचना। हम गर्दन उठा के नाक को अंगूठे से लगा सकते हैं, लेकिन जिनको सर्वाइकल है, कमर दर्द होता है, वो गर्दन को नीचे ही रखते हैं और एक एक पैर से करते हैं। और पैर को पकड़ के नहीं रखना, खींच करके रखना 20 सेकंड के लिए ऊपर की तरफ। एक पैर से ही पवन मुक्तासन करना और एक पैर से ही पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। इस आसन को क्या कहते हैं? पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। तो ये हमने दो आसन किए, पाद अंगुष्ठ स्पर्शासन और पवन मुक्तासन। अगला अभ्यास है कर्णासन। दोनों पैरों को फोल्ड किया, अपने टखने को पकड़ लिया और कमर को ऊपर उठाए, श्वास भर करके। पूरा ध्यान कमर पर, श्वास रोक करके रखें। जब फिर श्वास ना रोकी जाए तो धीरे धीरे श्वास छोड़ करके वापस श्वास भर के होल्ड करें, ऊपर जाएं,
पूरा ध्यान डबल ऊपर से ऊपर खींचे। नीचे एक बार और नीचे। सावधान शवासन। शवासन में हर एक आसन के बाद आधे मिनट के लिए शवासन में रिलैक्स करना चाहिए, फिर दूसरा आसन शुरू करना चाहिए। अब हम करेंगे अर्धनारी। अपने राइट पैर को पूरा सीधा ऊपर उठाते हैं, नीचे दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रख लेते हैं अपने नितंब के नीचे, फिर लेफ्ट नीचे राइट नीचे लेफ्ट नीचे राइट डाउन लेफ्ट डाउन रिलैक्स। इसको 10-10 बार दोहराना। अगला बहुत ही फायदेमंद आसन है मरकट आसन। इसको तो हम कैसे भूल सकते हैं, ये तो बहुत ही फायदेमंद है पूरी बॉडी के लिए और सबसे ज्यादा कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। दोनों हाथों को ऐसे साइड में रखते हैं, दोनों पैरों को फोल्ड किया, दोनों हाथ कंधों की सीट में, दोनों पैरों को फोल्ड किया, दोनों पैर मिले हुए आपस में छिपके हुए, दोनों पैर लेफ्ट साइड जमीन पर और हम देखेंगे राइट साइड। पूरी बॉडी को ट्विस्ट करना है अपोजिट, पैर जाते हैं लेफ्ट साइड, हम देखते हैं राइट साइड, दोनों पैर जमीन से पास में रहते हैं, कंधे जमीन से टच रहे, श्वास को होल्ड करते हैं। वापस दूसरी दिशा से करेंगे, दोनों पैर जाएंगे राइट साइड, हम देखेंगे लेफ्ट साइड, वापस एक बार और पूरा ध्यान कमर पर। राइट साइड से वापस अब मरकट आसन का सेकंड पोस्चर। दोनों हाथ वही रहेंगे कंधों की सीध पे ही, दोनों पैर फोल्ड रहेंगे, लेकिन इस बार दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का गैप रखना, 1 फीट का गैप। उसी तरह दोनों पैर जाएंगे लेफ्ट साइड जमीन पर और हम देखेंगे राइट साइड, सेकेंड पोस्चर ऑफ मरकटासन। पैर जितना जमीन के पास होंगे स्ट्रेचिंग उतनी ज्यादा होगी, श्वास को होल्ड करके पूरा ध्यान कमर पर। श्वास होल्ड नहीं की जा सकती है दिशा और छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने कहा श्वास होल्ड करके करते हैं तो ज्यादा नस नाड़ियां मजबूत होती है। ऑप्शन है श्वास होल्ड करके करेंगे तो अच्छा है। अब दूसरी तरफ से दोनों पैर में गैप रहेगा, दोनों पैर जाएंगे राइट साइड और हम देखेंगे लेफ्ट साइड, अपोजिट साइड गर्दन को ट्विस्ट करना। वापस
से एक बार और दोहरा लीजिए, रिपीट कर लीजिए। ये आसन जो रोज करेगा तो उसका फिर ऑपरेशन कराने का जरूरत ही नहीं वर्टीब्रा का, उसका सर्वाइकल भी ठीक हो जाएगा, उसका कमर दर्द, पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर दूसरी दिशा से करना, आसन प्राणायाम करना, खान पान पर परहेज करना और वैद्य से पूछ करके आयुर्वेद की औषधि लेना, और ज्यादा समस्या है तो पतंजलि वेलनेस आकर के पंचकर्म का थेरेपीज लेना, पूरा सदुपयोग, समय का सदुपयोग, जीवन का सदुपयोग करेंगे। और लास्ट पोस्चर है मरकट आसन का, तीसरा पोस्चर, दोनों हाथों को फिर से कंधों की सीध में, दोनों पैर सीधे, सावधान, अपने राइट पैर को पूरा 90 डिग्री उठा करके लेफ्ट साइड जमीन से टच करेंगे, हो सके तो हाथ के पास ले जा करके हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ लिया, लेकिन घुटना सीधा, डो नॉट बेंड योर नीज। और हम देखेंगे अपोजिट साइड, राइट साइड, कंधे जमीन से टच, नीचे वाला पैर सीधा रहेगा और जो पैर मोड़ा है राइट वाला वो सीधा रहेगा। वापस श्वास को होल्ड करके पूरा ध्यान कमर पे रखना होता है। और अब अपने लेफ्ट पैर को उठाया सीधा और राइट साइड जमीन पर लाए, हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ सकते हैं तो पकड़ लिया, लेकिन घुटना ऐसा नहीं होना चाहिए, डू नॉट बेंड योर नीज, घुटना सीधा। और हम किधर देखेंगे, हम देखेंगे लेफ्ट साइड, कंधे जमीन से टच, अब लेफ्ट शोल्डर भी टच रहेगा जमीन से। ब्रेथ को होल्ड करना है, थोड़ा ध्यान करना, अगर हाथ से नहीं भी पकड़ पाते पैर को तो पैर जहां तक जा सकता है वहां तक ले जाता है। टोटली रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स बैक, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ के पूरा रिलैक्स हो जाए, पूरा शिथिल हो जाए, महसूस करें कि सारे रोग दूर हो गए, मेरा शरीर पूरा शुद्ध हो गया, रोग मुक्त, आरोग्य, निरोगी हो गया। एकदम ऊर्जा से, एनर्जी, उत्साह से, पॉजिटिविटी से, सात्विक आत्मिकता से, दैवीय शक्ति से, संपदा से भर गया। ये है शक्ति का जागरण। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको आज के नवरात्रि के समापन दिवस की, आज सिद्धिदात्री का दिन है, माँ सिद्धिदात्री आपको सिद्धि प्रदान करे, स्वास्थ्य की, संयम की, साझा की, श्रद्धा की, सन्मति की, पुरुषार्थ की, भक्ति की, सिद्धि आपको प्राप्त हो, ऐसी मां सिद्धि धात्री से हम प्रार्थना करते हैं। आरोग्य की सिद्धि, दिव्यता की सिद्धि, ब्रह्मचर्य की सिद्धि हमें प्राप्त हो। दोनों हाथों को ऊपर उठा के दर्शन करते हैं
और गरम गरम अपनी आंखों पर धीरे धीरे आंखें और लेफ्ट साइड से टर्न करके करवट लेके बैठ जाओ। तो हमने किया दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना पूर्वक शांति पाठ। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः, श्रीपरमात्मने नमः। 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदास महाराज की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, गौ माता की जय, गायत्री माता की जय, तुलसी माता की जय, भारत माता की जय, दुर्गा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, काली माता की जय, सरस्वती माता की जय, माता पिता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव, शंभु। ओम शांति शांति। आज का सत्र यहाँ विराम लेता है और आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमस्कार जी। स्वामी जी अपन अनुलोम विलोम जो है वो सभी प्रकार सोके उठ के जाग के कर सकते हैं जी। कपाल भाती जैसे पेशेंट है बेड पर तो कपाल भाती कर सकता है क्या? उठ नहीं सकता, कर सकता है। उठ नहीं सकता, कपाल भाती लेट के कर सकते हैं क्या? जी कर सकते हैं, कर सकते हैं। खाली पेट भोजन खाने के जब पच जाता है, 2-3 घंटे जब भोजन करके पच जाता है भोजन, उसके बाद खाली पेट करते हैं। सुबह सुबह करें, शाम को करें। जी स्वामी जी, आपने जो 2 आसन बताए पीठ के बल पे, उसमें पहला बताया आपने पवन मुक्तासन और बाद में बताया मकरासन, तो उसके बीच में 2 आसन के नाम स्वामी जी वो आपसे याद नहीं आए थे, वो बता दीजिए एक बार, रिपीट कर दीजिए। एक भुजंग आसन था, एक नहीं पवन मुक्तासन और मकरासन के बीच में जो 2 नाम बताए थे ना स्वामी जी आपने, बीच में शलभासन। शलभासन, अच्छा शलभासन, धनुराज। नहीं स्वामी जी वो तो बताए थे आपने पीठ के बल के, पेट के, पीठ पीठ के बल के बता रहा हूँ मैं स्वामी जी, पवन मुक्तासन और मकरासन के बीच में अंकुष्ठासन जो बताया था स्वामी। हाँ हाँ अंकुष्ठासन, बरोबर।
पेट के बल होता है। हाँ और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदर पार्टिसिपेंट्स एनी डाउट। स्वामी जी, एक्सरसाइज वाला बहुत ही अच्छा लगा ये सेशन। हेलो स्वामी जी। हेलो जी। हेलो, एक एक जन पूछिए, एक एक जन पूछिए प्लीज। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर। मैम पहले यानी कपाल भारती करना चाहिए या अनुलोम विलोम करना चाहिए? पहले हम कपाल भाती करते हैं फिर अनुलोम विलोम करते हैं। हेलो स्वामी जी, बहुत बढ़िया रहा ये सेशन आपका, सारा सीखने को मिला हमको इसमें, धन्यवाद स्वामी जी। आपकी रीढ़ के हड्डी के लिए जो एक्सरसाइज बताई वो सही भी लाजो आप। चलिए और कोई क्वेश्चंस है तो अपन, नहीं है तो यहाँ पे रुकते हैं। मैम स्वामी जी ने बुक का नाम बताया था, वो बुक का क्या नाम है मैडम? जो योगा वेलनेस वाला जो बताया था। जी 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 स्वामी जी, योगा वेलनेस। हाँ वो बुक का नाम एक बार रिपीट करेंगे। हाँ वो पतंजलि वेलनेस का नाम, पतंजलि वेलनेस। पतंजलि वेलनेस ये सर इंग्लिश में है कि हिंदी में है? ये हिंदी में जी। ठीक है, थैंक यू स्वामी। यहाँ पे रुकते हैं स्वामी जी फिर। हेलो हेलो मैडम। ओके, ये जो बुक्स है पतंजलि वेलनेस का जो बुक है ये कहाँ पे अवेलेबल रहेगा? पतंजलि चिकित्सालय में भी मिलता है, नागपुर जी असाल तर सदर मध्ये पण आहे पतंजलि चिकित्सालय, तुम्ही तिथून पण घेऊ शकता। ओके मैडम, ठीक। चलिए यहाँ पे रुकते है, सभी को धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए अपना नेक्स्ट सेशन कल के टाइमिंग पर ही रहेगा, 8:30 बजे से थ्योरी सेशन। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम।